कल से ही आप लोगों के घरों में ब्राह्मणों का जीमना आपके द्वारा प्रारंभ हो गया होगा, जिमाना। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, अग्नि पुराण में से बता रहा हूं, गलती से भी ये गलती मत कर देना, गलती से भी ये गलती मत कर देना। ब्राह्मण के उस भोजन में दो चीजें मत रखना। मुझे पता है बहुत से लोग तो ब्रह्म भोज ही नहीं कराते हैं, और जो लोग शहरों में रहते हैं वो इस बात का निर्णय कर पाने में बड़े मुश्किल होते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे करें, वो निर्णय भी नहीं कर पाते, सही से डिसीजन भी नहीं ले पाते। जो दो चीजें हैं, अगर आपने ये गलती की तो इसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। और शहरों में छोड़ दीजिए, आजकल तो गांव में भी इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के भोजन में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली, जिसे हम लोग हमारे ब्रज में उसे काशी फल कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई बहुत बड़े यज्ञ होते हैं बलि जब देनी होती है तो उसी के ऊपर उसकी आकृति बनाते हैं, वो काशी फल। मुझे नहीं पता और आपको क्या बोलते, आप क्या बोलते हैं उसको, बहुत गोल सा होता है जिससे पेठा बनता है, ध्यान से सुने, उसे पेठा भी कहते हैं, कद्दू भी कहते, काशी फल बोलते हैं हमारे यहां, और उससे पेठा बनता है। अगर ब्राह्मण के भोजन में, श्राद्ध पक्ष के भोजन में अगर हमने वो काशी फल की सब्जी बना दी तो पितृ घर से 1.5 किलोमीटर दूर से ही पहले भाग जाते हैं, आते नहीं, और क्रुद्ध होकर श्राप देकर जाते हैं। जो पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हम ये भोजन इत्यादि करते हैं कि जिससे हमारे पितर प्रसन्न हो, किया था कार्य इसके लिए, लेकिन अनजाने में अपराध कर बैठे और उस अपराध का दुष्परिणाम ये हुआ कि वो आशीर्वाद देने की बजाय और बद्दुआ दे के चले गए। इसलिए कल मेरे को भूमिका बनानी थी, बहुत समय था, लग भी गया था, समय लग गया, बता नहीं पाया, तो मुझे लगा कि कैसे भी आज की कथा शीघ्र प्रारंभ हो और सबसे पहले मैं आपको ये गलती करने से रोकूं कि ये अगर बना भी लियो तो हटा देना, ब्राह्मण के आगे मत परोसना। और जो लोग अभी सुन रहे हैं, जिनके घर में आज ब्राह्मण भोजन होने वाला है, एक और चीज सुन लीजिए, इस अपराध से भी बचना है। भैंस के दूध से गाय खीर नहीं बननी चाहिए, भैंस के दूध से ब्राह्मण भोजन के लिए खीर कम से कम श्राद्ध पक्ष में नहीं बननी चाहिए। प्रश्न उठता है क्यों, प्रश्न उठता है क्यों? इसलिए यमराज की सवारी का नाम बताइए, जोर से बोलिए, भैंसा, उसकी मां का नाम क्या हुआ? जब कोई भी आत्मा को पितृलोक में ले जाया जाता है तो यमराज भैंसे पे सवार होकर उन पितरों के सामने, पितरों के जो इष्ट हैं उनके सामने पहुंचते हैं, और पितृलोक उन्हें हाथ जोड़ के पूछते हैं, यमराज आप कैसे पधारे? यमराज उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं। बोले, क्या कहना चाहते हो? आप कहो कि ये जिसकी सवारी में करता हूं वो भैंसा है, आप ये अपने सभी पितृलोक में सभी आत्माओं से एक बात कह दें कि कोई भी आत्मा मेरे भैंसे की मां के दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार ना करे, क्योंकि इससे मेरे इस सवारी को कष्ट होता है, भैंसे को कष्ट होता है। तो इसलिए आप अगर निवेदन कर देंगे तो कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो वो वचन देते हैं एवं मस्तु, ऐसा ही हो। इसलिए कभी भी पितरों के भोजन में
भैंस की दूध की खीर मत बनाइएगा, अभी से नोट कर लो। और कईयों के तो बन गई होगी आज, मैं यकीन से कह रहा हूं कईयों की बन गई होगी, लेकिन जिनकी बन गई है वो ब्राह्मण को मत परोस देना। बाजार से लाई हुई कोई मिठाई जिसमें दूध इन्वॉल्व हो, वैसे तो बाजार से लाई गई कोई मिठाई नहीं परोसनी चाहिए श्राद्ध पक्ष में, अपने पितरों के भोजन में। क्या करें, बोले अपने ही घर में बनाओ, चाहे हलवा ही बना लो। कई मिठाइयां माता बनाना जानती हैं अपने हाथ से, हलवा तो कोई भी बना लेगा, उस हलवा में दूध का प्रयोग नहीं होता है। अगर दूध की भी कोई मिठाई बनानी है या खीर भी बनानी है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि वो गाय के दूध के ही है। शहरों में आप लोग दूध मंगाते हैं, कौन ले आए कैसे ले आए नहीं पता। कई बार तो हमारे मिल्कमैन भी बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते शुद्ध गाय का है और वो शुद्ध भैंस का ही होता है। जिसको वो कहते शुद्ध गाय का है वही शुद्ध भैंस का होता है। और गजब की बात तो यह है कि रहने वालों को पीने वालों को ये पता ही नहीं कि गाय का है कि भैंस का है। आप कहो तो मैं बताऊं, मुझे पता है गाय के भैंस के दूध में अंतर क्या है, बताऊं? कौन कौन जानता है? आप जानते हो, फिर नहीं बताऊं, रहने दो। कईयों को नहीं पता, उनको तो लगता है वाइट है मींस दूध है। भैंस का जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा। आप उसको उंगली डुबाएंगे बहुत देर तक आपकी उंगली से चिपका रहेगा, गाढ़ा होता है। और गाय का जो दूध होता है वो गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ी देर लगाओ उंगली एकदम साफ हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना, किस किस के घर में गाय है? है गाय रखा करो, गाय यहाँ भी सुख देती है और वहाँ भी सुख देती है। जो गाय की पूजा यहाँ नहीं करते उनके यमराज के दूत वहाँ सेवा करते हैं। आगे कथा मैं आज सुनाऊंगा बेटा, कान खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, आज सुनो तुम कथा। तो खैर मैं आप सबको ये बता रहा था कि आप लोग सभी न तो भैंस के दूध की खीर ब्राह्मणों को परोसें, बाजार की लाई हुई मिठाई ब्राह्मणों को न परोसें, काशी फल की सब्जी जिसे पेठा कहते हैं वो न ब्राह्मणों को परोसें, सीधा जो नमक होता है वो नमक न दें उन्हें, अचार न दें उन्हें। समझ लीजिए, ब्राह्मण के भोजन में अचार मत दीजिए, मिर्च मत दीजिए, नमक मत दीजिए अलग से, जो सब्जियों में बन गई वही दे दीजिए बस। और कई ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवताओं आपके हाथ जोड़ू, श्राद्ध पक्ष में जीभ पे कंट्रोल करके भजन बढ़ा के चकाचक जिजमानों का और सभी का कल्याण करने के लिए प्रार्थना करो। जीव तो बहुत चलेगी और भी बहुत दिन चलेगी, लेकिन अलग से नमक मांगना, अलग से मिर्च मांगना, अचार मांगना, ये पितरों को दुख देना। इसलिए सभी ब्राह्मण देवताओं को भी मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं जो भोजन करने जाते हैं। और आप सब भी जितने जिजमान लोग हैं जिनके घरों में जिजमान क्या, सभी पितरों की सेवा करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, तो आप सब से मेरी ये आग्रह है, प्रार्थना है, अगर चाहते हैं आपके पितर आप पर प्रसन्न रहें तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिए। बोलो राधे राधे। देखो धीरे बोल रहे हो आप धीरे बोल रहे हो, मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। तो इस बात को समझ में आ गया आपके में, समझ लिया? तो ये गलती पितृपक्ष में मत करना।